नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरुण ब्लॉग पे। मैं आपका दोस्त, आपका भाई अरुण श्रेष्ठ आज आपको लेके आ गया भाई चांदनी चौक क्षेत्र के अंदर। भाई यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरर है जो लगभग 100 साल से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं कपड़ों के अंदर, जो कि लेडीज सूट का व्यापार करते हैं, ड्रेस मटेरियल का व्यापार करते हैं। आज हम यहाँ पर आए हैं और जानेंगे इनकी क्वालिटी, इनके प्राइस। मैंने पहले भी इस पर एक वीडियो बनाई, आपने बहुत प्यार दिया। तो प्रवीण जी कैसे हैं? बहुत बहुत नमस्कार सर। नमस्कार जी, आप माइक लगा लें ताकि आपकी आवाज़ अपनी ऑडियंस तक थोड़ी सी जा सके साफ क्लियर। तो माइक लगाते हैं प्रवीण जी के। तो मैं आपको बता दूंगा, प्रवीण जी का जो अनुभव है वो इस व्यापार के अंदर लगभग 45 साल के आसपास का है, ठीक है। और इनका जो ये व्यापार है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो है ये लगभग 100 साल पुरानी इनकी ये मैन्युफैक्चरिंग चांदनी चौक में बैठे हैं। तो बाकी सब चीज़ें प्रवीण जी बताएंगे। तो प्रवीण जी थोड़ा सा अपना परिचय दें और अपने फर्म के बारे में बताएँ। सर, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं हिंदुस्तान की आवाम का, हिंदुस्तान की जनता का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जो पिछले वीडियो में प्यार, जो स्नेह और जो आशीर्वाद हमें मिला, उसके लिए मैं तहे दिल से राधे राधे परिवार की पूरी टीम सूरत, अहमदाबाद और दिल्ली की तरफ से अपना एक व्यक्तिगत आभार व्यक्त करता हूं। हमारा राधे राधे परिवार वैसे तो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन 150 करोड़ हिंदुस्तान की पॉपुलेशन, जब भी कोई इंटरेक्शन आता है तो कुछ लोग नए जुड़ते हैं। तो उनके लिए मैं बता दूँ, हमारा राधे राधे परिवार 3 ब्रांचेज रखता है, सूरत, अहमदाबाद और दिल्ली। सूरत और अहमदाबाद से हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती है और दिल्ली से हम लेडीज सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करते हैं। चांदनी चौक में हमारा स्टोर है, संडे को बंद रहता है। संडे के अलावा मंडे टू सैटरडे 12 बजे ओपनिंग टाइम है। 12 से लेकर 8 के दौरान आप कभी भी आना चाहते हैं तो चांदनी चौक में गुरुद्वारा है, उसके बराबर में गली है पराठे वाली, वहाँ पर आना है, वहाँ आके आपको कॉल करना है, 2 नंबर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। संडे के अलावा 12 से लेकर 8 आप बाई ट्रेन आते हैं, मेट्रो से आते हैं, अपना कन्वेंस लेके आते हैं या बस से आते हैं, पराठे वाली गली फेमस है, वहाँ आके फ़ोन करेंगे, हमारा लड़का आपको लेके जाएगा। उसके बाद अगर आपको कहीं छोड़ के भी आना है तो छोड़ के भी आएगा। तो ये बात सत्य है कि आपका जो व्यापार है 100 साल से पुराना है? सर 43 ईयर्स तो अप्रॉक्सीमेटली एग्जैक्टली मुझे हो गए इस व्यापार के अंदर। मेरे फोर फादर्स के टाइम का काम है और मैं लेडीज सूट और ड्रेस मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग करता हूं। और मैं वीडियो के दौरान इस बात को साबित भी करूंगा कि मैं मैन्युफैक्चरर हूं। मैन्युफैक्चरर का मतलब होता है बनाने वाला, और कपड़े के अलावा किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चरर अगर कोई होगा ना तो उसका रेट आप सर्च कर सकते हो कहीं पर भी जाके, लेकिन कपड़े का रेट आप सर्च नहीं कर सकते, क्योंकि कपड़ा जितने हाथों में से निकलता है ना उतना ही महंगा होता चला जाता है। देखो अरुण जी, मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं आपके चैनल से जुड़ा हूँ और आपके चैनल पर आज मैं एक छोटा सा इंटरेक्शन अपना शूट करा रहा हूँ, तो मेरे इंटरेक्शन का पर्पज या मकसद कपड़ा बेचना नहीं है। मेरा इंटेंशन जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि हिंदुस्तान में जो भी कपड़े का व्यापार कर रहा है, हाँ जी, मैं उससे हाथ जोड़ के आपके चैनल के माध्यम से विनती करूंगा कि लोकल परचेजिंग ना करें। कितने हाथों में से निकल के वो कपड़ा आपके पास पहुंच रहा है वो आपको खुद को नहीं पता। जितना महंगा आपको मिलेगा या तो आपका बिकेगा नहीं, और बिक गया तो ग्राहक आपके पास वापस आएगा नहीं। और ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो कपड़े का व्यापार कर रहे हैं या करना चाहते हैं, क्योंकि कपड़े के व्यापार से बड़ा और कपड़े के व्यापार से श्रेष्ठ कोई व्यापार नहीं है। क्योंकि कपड़े के व्यापार की सबसे बड़ी खासियत, एक, उसमें नुकसान किसी को नहीं लग सकता, शर्त एक ही है, कपड़ा वहां से मिले जहां से वो चीज बन के निकली है। बाकी बातें सर वीडियो के दौरान होती रहेंगी। मैं अपना काउंटर पहले एक बार विजिट करा देता हूं। देखो सर, एक मेरा काउंटर ये है, मेरे पास टोटल 100 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। अगर मतलब 100 लोगों का मेरे पास अगर जमावड़ा हो जाता है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा काउंटर है, जितनी भी वैरायटी आप देख रहे हो टोटल आपको एक एक सेट, दो दो सेट आपको हर आइटम का लगा मिलेगा। आपको सुना की आपके पास वैरायटी भी काफी, 7,500 वैरायटीज है। 7,500 120 रुपए से मेरी वैरायटी शुरू होती है, हाँ जी, और 1,500 तक की वैरायटी में मैं डील करता हूं। क्या बात है। एक काउंटर मेरा ये है, एक काउंटर मेरा ये है, इस तरीके से मेरे टोटल आप जो कलेक्शन देख रहे हैं वो यहां पर आपको लगी मिलेगी चारों तरफ। क्या बात, टोटल 7,500 वैरायटीज है माल। इस तरीके से व्यापारी का छट्टा है मेरे पास में, और उसके बाद वो पार्सल की शक्ल में कैसे जाता है वो मैं आपको वीडियो के दौरान बताऊंगा। ये व्यापारी का मेरा माल छटा हुआ है, 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 ये व्यापारी का मेरा माल छटा है। हर तरीके का व्यापारी है, छोटा है, बड़ा है। अब देखो, ये मेरा माल अभी पैक हुआ है, ये मेरा माल जा रहा है साजिद खान बरेली। बरेली एक शहर, एक जिला है उत्तर प्रदेश के अंदर, फ्रॉम राधे राधे परिवार। एक पार्सल साजिद, 2 पार्सल साजिद, 3 पार्सल, मोटा मोटी 40,000 रुपए का, 35,000 रुपए का एक पार्सल पैक होता है। तो 1,00,000 रुपए का कपड़ा इन्होंने भी मुझसे परचेज किया है। अब बरेली में क्या कपड़े की दुकानें नहीं है? बिल्कुल, बरेली में कपड़े का सबसे बड़ा मार्केट है कटरा मान रहा है, मुरादाबाद का कुंवर सिनेमा कॉम्प्लेक्स, सहारनपुर का रायवाला, रोहतक का शौरी मार्केट, इलाहाबाद का रोशनबाग, इलाहाबाद का चौक, कानपुर का बेकनगंज, जंदेलगंज, हिंदुस्तान का कोई भी बड़े से बड़ा होलसेल का जो मार्केट है ना, वहां राधे राधे परिवार की तरफ से कपड़ा जाता है। और अगर मैं ये कहता हूँ वहां से भी आप परचेज करते हो ना, तो कम से कम 15 से लेकर 20% का फर्क तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब ये माल मेरा जा रहा है, देखो, इम्तियाज अली, पन्ना श्री,
पन्नाश्री एक जगह है कलकत्ता, कलकत्ता है वेस्ट बंगाल के अंदर, फ्रॉम राधे राधे परिवार। तो हिंदुस्तान के हर कोने के लिए मेरे पास में हिंदुस्तान का कोई पिन कोड ऐसा नहीं है जो राधे राधे परिवार के पास ना हो। अब हाँ सर बताइए, आप बताइए। मैं तो चलो शुरू करते हैं, थोड़ा तो परवीन जी सबसे पहले आप क्या दिखाना चाहेंगे? सर दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं कपड़ा बनाता हूं, तो पहले कपड़े की थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। कपड़ा हिंदुस्तान में जितना भी बनता है वो दो ही जगह बनता है, सूरत और अहमदाबाद। और मेरा दोनों जगह से बन के आता है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले बता दिया, कपड़ा जितने हाथों में से निकलेगा उतना ही महंगा होता चला जाएगा। तो कपड़ा जो होता है वो सिर्फ दो प्रकार का होता है, एक में अस्तर लगता है और एक बिना अस्तर वाला होता है। जिस कपड़े में अस्तर लगता है वो कभी सूती नहीं होगा। अच्छा। और जिस कपड़े में अस्तर नहीं होता वो सारा कपड़ा सूती होता है, जिसको लोग आम भाषा में कॉटन बोलते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। जो सर मैं कपड़ा बनाता हूँ तो मैं बारीक से बारीक जानकारी भी मैं आपको दूंगा। कॉटन जो कपड़ा होता है वो सैकड़ों प्रकार का होता है। हाँ जी। 10-20 नाम तो मैं आपको उंगलियों पे गिनती करा सकता हूँ। इंडो कॉटन, पीसी कॉटन, कैमरी कॉटन, ग्लेस कॉटन, जाम कॉटन, उपाड़ा कॉटन, मलाई कॉटन, सॉफ्ट कॉटन, बनाना कॉटन, बरगनिया कॉटन, लोन कॉटन, 20 नाम तो मैंने आपको भी गिनती करा। अब कपड़ा जो होता है दो प्रकार का, लेकिन उसकी जो कैटेगरी होती है ना वो 7 प्रकार की होती है। मतलब एक लेडी जो कपड़ा सूट पहनती है वो अपनी पूरी जिंदगी नहीं 7 पड़ावों में से निकालती है। सबसे पहले नंबर पे आता है लेने देने वाला सूट, उसके बाद में आता थान वाला सूट, उसके बाद आता है डेली यूज का, उसके बाद में आता नॉर्मल पार्टी वेयर सूट, उसके बाद में आता बुटीक कलेक्शन, सिंपल सोबर गर्लिश लुक का, छठे नंबर पे आता वेडिंग कलेक्शन, शादी ब्याह वाला सूट, और सातवें नंबर पे सबसे ऊंचे पायदान पे जो आता है दैट इज कॉल्ड ब्राइडल कलेक्शन, दुल्हन वाला सूट। मैं आपको सारी कैटेगरी दिखाऊंगा थोड़ी थोड़ी सी। बिल्कुल। मतलब मैं आपको जो अपनी पिक्चर है पूरी जो राधे राधे परिवार दिल्ली चांदनी चौक में दिखाता है उसका एक छोटा सा टीजर दिखाऊंगा मैं आपको। सबसे पहले मेरा कलेक्शन आएगा, देखो सर सबसे पहले एक बात बता दूं जरूरी, छोटा हो बड़ा हो, दूर से हो पास से हो, नया हो पुराना हो, बजट हो 1000 का, बजट हो 1,00,000 का, हमारी हर गड्डी पे रेट लिखा हुआ है। अगर आप जूम करके दिखाओगे, देखो सर आप ये किसी भी खाने में से, सर इशारा करो जरा एक बार, किसी भी खाने में इशारा करो, बोलो कौन सा खाने की गड्डी निकालो, सब पे प्राइस लिखा, सब पे प्राइस लिखा हुआ, इशारा करके बोलो गड्डी लड़का निकाल के देगा, ये निकाल, गड्डी निकाल के दिखाओ जरा बेटा एक बार, देखते हैं प्राइस लिखा भी नहीं लिखा। ठीक है, सब पे यानी कि हर गड्डी पे आपको रेट मिलेगा 350 का। ये देखो सर 350 यानी सब पे प्राइस लिखा। मतलब यहाँ पर जो सोच है ना वो एक ही बात पे कायम है, मिठाई के साथ में डिब्बे का वजन तोलते नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, और जिसने पढ़ ली फारसी उसको किसी चीज की जरूरत नहीं होती। क्या बात, मतलब यहाँ पर मिठाई के साथ में डिब्बे का वजन तोला ही नहीं जाता है। बहुत बढ़िया। अब ये देखो सर, ये मैंने आपको पहली कैटेगरी दिखा रहा हूँ, थान वाला सूट, कपड़ा आएगा पूरा 5 मीटर, जितना कट होगा उतना बताऊंगा, एग्जैक्ट बताऊंगा, कान पकड़ूंगा, सीधा पकड़ूंगा, घुमा के नहीं पकड़ूंगा, लेकिन कसके पकड़ूंगा। कपड़ा आएगा मात्र 130 रुपए में, बिक्री बता दूं 1000 के 5 बिकते हैं, 200 रुपए का एक बिकता, जहां चाहो वहां बेच लो। सर आप वीडियो शूट करते हो सदर बाजार की, मैं एक बात कहता हूँ, सदर बाजार में जितने भी चीजें बिकती है ना, चाहे वो कॉस्मेटिक हो, चाहे हौजरी हो, चाहे बर्तन हो, चाहे भांडा हो, चाहे जूता हो, चाहे चप्पल हो, चाहे रुमाल हो, चाहे जुराब हो, वहां के जितने भी व्यापारी जो कुछ भी वहां से खरीदते हैं ना, मैं उनको एक ही बात बोलूंगा, वो सूट अपने पास जरूर रखें, क्योंकि जहां पर भी लेडीज आती जाती है ना, वहां पर सूटों का अगर रुझान होगा ना, तो समझ लो पीछे मुड़के देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सर मैंने आपको कपड़ा दिखाया, कपड़े का नाम, सर मैं कोई भी चीज दिखाऊंगा, 4 चीजें मैं आपको बताता चलूंगा, कपड़े का नाम, उसका कट, उसकी क्वालिटी और साथ में उसकी बिक्री, ताकि आपको देखते देखते आइडिया लग जाए ये चीज मैं क्या भाव में खरीद रहा हूँ और क्या भाव में उसको बेच सकता हूँ। ये आया सर मेरा 5 मीटर का सूट, पूरा 5 मीटर, ये मैंने पूरे पीस को मुट्ठी में बंद कर दिया सर। अरे वाह। 130 रुपए का सूट आएगा, 130 का, 130 रुपए का मैंने बताया, 200 रुपए का बिकता है ये। सर एक बात मैं और बता दूं, कोई भी रेंज की मैं आपको आर्टिकल दिखाऊंगा तो हर रेंज के अंदर 100 डिजाइन मेरे पास कम से कम मिलेंगे आपको, 100 डिजाइन, मेरे से पूछने की जरूरत ही नहीं है। मैंने क्या बोला सर स्टार्टिंग में, 44 रेंज मतलब रेट से, और 120 से लेके 1500 और 7500 डिजाइन, तो अगर 7500 को 44 से भाग करोगे तो कम से कम एवरेज आएगी 170 से लेके 180 डिजाइन की, तो मिनिमम 100 तो मेरे पास मिलेंगे आपको। ये देखो सर 3 और ये 4, ये आया सर ऑल ओवर सूट, ये सारे वाला, सारे 130 रुपए, हाँ सब 130 के, ये 4 बंडल मैंने आपको दिखाए हैं, कम से कम 100 डिजाइन मिलेंगे मेरे पास में इसको। ये आया सर ऑल ओवर सूट, अब सर मैं आपको बता दूं ऑल ओवर सूट एक्चुअल में होता क्या है। ऑल ओवर सूट दो तरीके से आता है, दुपट्टे के साथ और बिना दुपट्टे का। हाँ जी। इसमें क्या होता है, सूट और सलवार एक साथ होती है, और एक लेडी को अपने बनवाने के लिए कुछ भी बनवाना हो वो सब कुछ इसमें बन सकता है, सूट सलवार लेगिंग कुर्ती गरारा शरारा प्लाजो ब्लाउज पेटीकोट साड़ी मैक्सी नाइटी गाउन, इसको काट काट के भी बेच सकते हो, नाप के बेच सकते हो, अस्तर में लगा सकते हो और लाइनिंग में लगा सकते हो। ये मेरा पहला कलेक्शन आया ऑल ओवर सूट का, 130 रुपए का। अब सर मैं ऑल ओवर का आपको दूसरा, देखो सर एक मेरा प्रश्न रहेगा, सर पहले मैं दिखाऊं, देखो सर रेट इसके ऊपर भी लिखा हुआ है 150 रुपए लिखा। हाँ सर बताओ सर क्या। सर मेरा एक प्रश्न था कि सर कपड़े के व्यापार में सबसे बड़ी खासियत क्या है? सर देखो कपड़े का व्यापार करने की खासियत क्या है? सर देखो मैं आपको पहले बता दूं, मतलब हजारों साल से अगर कोई सर्राफा
कोई व्यापार है नंबर वन तो वह है कपड़े का। क्या बात, इससे बड़ा और इससे श्रेष्ठ कोई काम नहीं है। कपड़े के व्यापार की अगर मैं आपको खासियत गिनवाने बैठूंगा तो सुबह से लेकर शाम हो जाएगी। हाँ। लेकिन कुछ चुनिंदा चीजें मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात, कपड़े के व्यापार में नुकसान किसी को नहीं लग सकता। अच्छा। क्योंकि कपड़ा कभी खराब नहीं होता। खराब। कपड़े के व्यापार में दो ही काम होते हैं सिर्फ, कुछ बिकता है और कुछ नहीं बिकता है। हाँ। और इसके बीच का जो बैलेंस है ना, हाँ। कैसे बैलेंस क्या कहता है, जो बिकता है हाँ। वो ज्यादा कैसे बिके। हाँ। और अगर कुछ नहीं बिकता है तो वो नहीं वाला कैसे कैसे कम हो सकता है। हाँ। उसकी जानकारी देगा राधे राधे परिवार। देखो सर, कोई भी व्यापार आप करते हो तो दो चीजें आपको परेशान करती हैं। एक कि मेरे पैसे की सेफ्टी क्या है, मतलब मैं पैसा लगा रहा हूँ कल को मेरे को नुकसान तो नहीं लग जाएगा। हाँ। और दूसरी चीज सबसे जरूरी, सबसे इम्पोर्टेंट, कि मेरे को इस व्यापार की समझ नहीं है, क्या मैं ये व्यापार कर पाऊंगा। हाँ। और तो कोई सवाल नहीं होता ना सर। बिल्कुल, मैं आपको दोनों चीजें आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान की आवाम को, हिंदुस्तान की जनता को बताना चाहता हूँ। कपड़े के व्यापार में अगर आप कपड़ा खरीदोगे मैन्युफैक्चरर से, उससे खरीदोगे तो कभी नुकसान नहीं लगेगा। अच्छा। दूसरी चीज, बेचने का तरीका मैं बताऊंगा आपको 43 साल के तजुर्बे से कि आपको कपड़ा बेचना कैसे है। अब बात करते हैं कपड़े के व्यापार की खासियत की। हाँ। सर पहला तो मैंने आपको बताया नुकसान नहीं लग सकता। दूसरा, कपड़े के व्यापार में कपड़ा कीमत देख के तो खरीदा जाता है और रिटेल में खूबसूरती देख के बेचा जाता है। कपड़े के व्यापार का रेट आप कभी सर्च नहीं कर सकते। अगर सपोज करो 200 वाला सूट खूबसूरत होगा ना तो 400 और 500 का बिक जाएगा, और 500 400 वाला खूबसूरत नहीं होगा ना तो 200 का भी नहीं बिकेगा। कपड़ा बिकता लुक से, लुक राइट। दूसरी चीज और तीसरी चीज, कपड़े के व्यापार के साथ कोई शर्त जुड़ी हुई नहीं है। हाँ। हर व्यापार के साथ कोई ना कोई शर्त होती है। हाँ। क्या क्या शर्तें होती हैं? हाँ। रुपए पैसे की। हाँ। क्या आपको इतना पैसा लगाना पड़ेगा? हाँ। कपड़े के व्यापार में ऐसा कुछ नहीं है। 10,000, 5,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, जितनी आपके पास गुंजाइश हो ना। हाँ। उतने पैसे से आप कपड़े का व्यापार शुरू कर सकते हो। उसके बाद शर्त आती है जगह की। हाँ। कपड़े के व्यापार में ऐसा कुछ नहीं है। आप घर से शुरू करो, बाजार से शुरू करो, फेरी से शुरू करो। अगर आपके पास थोड़ी गुंजाइश है, 4 लोगों को नीचे रख के आप शुरू करवा सकते हो। हाँ। आप सेल लगा सकते हो। आपके पास को दुकान खाली पड़ी है, उसमें 2 लड़के बैठा के आप काम चालू करा सकते हो। हाँ। तीसरी शर्त आती है पढ़ाई लिखाई की। कपड़े के व्यापार में ऐसा कुछ नहीं है। जिसको भी नोट गिनने आते हैं ना और नोटों की पहचान है, वो कपड़े का व्यापार कर सकता है। और चौथी सबसे बड़ी शर्त आती है जेंडर की। हाँ। कि ये काम औरतें कर सकती हैं, ये काम मर्द कर सकते हैं, ये काम टीनेजर कर सकते हैं, ये काम बुजुर्ग कर सकते हैं। कपड़े के व्यापार में ऐसा कुछ नहीं है। आदमी, औरत, बच्चा, बूढ़ा, उम्र के किसी भी पड़ाव पे इस काम को शुरू कर सकता है। शर्त एक ही है, अगर कपड़े का व्यापार करना है या कर रहे हो आप, तो कपड़ा वहीं से खरीदना जहां से वो चीज बन के निकली है, मतलब मैन्युफैक्चरर से। मैन्युफैक्चरर की परिभाषा मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो सर सुबह से लेकर शाम हो जाएगी कपड़े के व्यापार की खासियतें गिनवाऊंगा तो। लेकिन मैंने आपको कुछ चुनिंदा बातें आपको ऐसी बता दी सिलेक्टेड, कि आपका अंदर से मन करेगा बोले वाकई में कपड़े का व्यापार करना चाहिए। अब ये देखो सर, ये आया सर मेरा कपड़ा इंडो कॉटन। कपड़ा आएगा पूरा 4.5 मीटर। ये देखो सर, एक एक पीस मैं आपको नेगेट करके दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया लगे। जी, कपड़ा आएगा प्योर इंडो कॉटन, कटाएगा पूरा 4.5 मीटर। बिक्री आएगी 200 रुपए की और रेट है इसका मात्र 150 रुपए का। 150। ये आया सर मेरा 150 रुपए में ऑल ओवर का दूसरा कलेक्शन। हाँ। इसके भी सर 8-8 फुट के बंडल आएंगे। अब मैं एक बात कहता हूँ, 130 वाले लो, 150 वाले लो, इन दोनों को आपस में मिला दो। हाँ जी। आपकी एवरेज आएगी 140 रुपए की। हाँ। और आप एक धड़ा निकालो 1,005 का, 200 का 1, 200 का 1, 200 का 1, 200 का 1। सर एक गड्डी भी अगर आपने रोज की बेच ली 8 सूट की। हाँ। तो 500 रुपए आपके कहीं नहीं गए। अरे क्या बात। एक छोटी सी आइटम में मैं आपको बता। हाँ। रहा हूँ, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट लगा के अगर आपने 8 सूट भी रोज के बेच लिए। हाँ। तो 500 रुपए आपके कहीं नहीं गए, एवरेज निकाल के अगर आप कपड़ा बेचते हो ना। हाँ। तो ये है कपड़े के व्यापार की सोच। यह आया सर ऑल ओवर का मेरा दूसरा कलेक्शन। अब दिखाता हूँ सर मैं आपको आइटम, बाजार में मिलेगा कम से कम 250 रुपए का। कट आएगा 4 मीटर 70 सेंटीमीटर का। कपड़े का नाम है फ्रेंच क्रेप और साथ में आएगा जरी का तार। देखो सर जरी का तार दिख रहा है ना पूरा का पूरा। हाँ जी, हाँ जी। इसको बोलते हैं फ्रेंच क्रेप ल्यूरेक्स जरी। कट आएगा 4.5 मीटर का, 4 मीटर 70 सेंटीमीटर का और रेट आएगा सर मात्र 180 रुपए का। 180 रुपए का, 250 रुपए का बेचो, जितना चाहो बेचो सर। ये कपड़ा है 4.5 मीटर। अगर 75 सेंटीमीटर का ब्लाउज काटोगे ना इसके अंदर से, तो ब्लाउज बनेंगे इसके अंदर से 6 ब्लाउज। अगर 50 रुपए का भी ब्लाउज बेचोगे ना भाई साहब। हाँ। तो 300 रुपए खड़े हो गए आपके इसके अंदर और है मात्र 180 रुपए का। सर ऑल ओवर सूट की खासियत ये की है, सूट सलवार लेगिंग कुर्ती गरारा शरारा प्लाजो ब्लाउज पेटीकोट साड़ी मैक्सी नाइटी गाउन काट के बेचो, नाप के बेचो, अस्तर में लगाओ, लाइनिंग में लगाओ। हाँ। जैसे मन करे वैसे बेचो सर। 100 डिजाइन मिलेंगे कम से कम। 100 डिजाइन। हाँ, हर चीज के अंदर 100 डिजाइन। सर मैं तो आपको गिनती के चार चार दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे को कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा वैरायटी दिखानी है। बिल्कुल। अगर आपको पूरी वैरायटी देखनी है तो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर आएगा, उस नंबर पर मैसेज डाल देना हेलो लिख के।
तो सारी वैरायटी आ जाएगी, हमारा गूगल लोकेशन आ जाएगा, संडे क्लोज आ जाएगा, 12 से 8 का टाइम आ जाएगा, और साथ में मेरे कुछ फार्मूला जो मैंने तैयार किए हैं उन लोगों के लिए जो व्यापार कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उन वो सारे फार्मूलाज आ जाएंगे आपके पास में। ये आया सर मात्र 180 रुपये का। अब 180 के बाद में 180 में मैं आपको एक आइटम और दिखाता हूँ सर। हाँ देखो सर, ये आएगा टाई एंड डाई। टाई एंड डाई का मतलब ऊपर का टॉप आएगा और नीचे का बॉटम आएगा, अलग 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 आएगा। हाँ कट आएगा पूरा 4.5 मीटर का। हाँ जी, ये आ गया सर 2 मीटर का टॉप, 2.5 मीटर का बॉटम। इसको बोलते हैं मिक्स एंड मैच आम भाषा में। अच्छा, टॉप अलग होता है, बॉटम अलग होता है, सलवार कंट्रास्ट होती है। मात्र 180 रुपये में बिक्री आएगी इसकी 250 रुपये की। जितना चाहो बेच लो, 8-8 छूट के इसके बंडल आएंगे। पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। चौथा कॉन्सेप्ट आ गया सर ऑल ओवर का। अब ऑल ओवर का मैं आपको एक वैरायटी और दिखाता हूँ। अब सर कपड़े का नाम मैं आपको बता दूं, कपड़ा आएगा रेयॉन कॉटन। बाजार में मिलेगा कम से कम 70 से लेकर 75 रुपए मीटर। हाँ जी। अब मेरे पास में आपको इसकी मैचिंग मिलेगी मात्र 190 रुपए में। अच्छा, ये देखें, ये सर 2 मीटर का पूरा टॉप आएगा। हाँ। और सर रेयॉन के साथ में आएगा गोल्ड फॉइल मैचिंग, देख रहे हो आप, ये पूरा गोल्ड प्रिंट है अंदर तक। ये सर 2 मीटर का टॉप आ गया और इसका नीचे मैचिंग आएगा 2.5 मीटर का। ये देखो सर 2.5 मीटर का पूरा बॉटम आ गया इसके नीचे। ये देखो सर, आ गया 8-8 छूट के इसके बंडल आएंगे। हाँ जी। ये देखो सर, कैलकुलेटर 2, 3। हाँ। और ये 4। हाँ जी। ये देखो सर 180 के बाद हम आ गए 190 रुपए पे। हाँ। मैं आपको 4-4 बंडल दिखा रहा हूँ खाली रेंडम। हाँ। पूरे डिजाइन देखने हैं व्हाट्सएप पे डाल दो मैसेज। टोटल वैरायटी देखनी है तो आप यहाँ आ जाओ। जिस रेट से आपके पास में मैं यहाँ दिखा रहा हूँ उसी रेट से व्हाट्सएप पे आएगी, और उसी रेट से जब आप यहाँ पर आओगे तो उसी रेट से आपको कपड़ा मिलेगा। ये आया सर मेरा 5वां कलेक्शन ऑल ओवर का मात्र 190 रुपये में। अब सर मैं आपको दिखाता हूँ एक आइटम, कपड़ा आएगा प्योर कैमरिक कॉटन। हाँ। देखो सर रेट लिखा हुआ है ना 200 रुपये का। हाँ जी सर, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, क्या यहाँ तो जो चीज़ मिलेगी ना वो पत्थर पे लकीर मिलेगी। हाँ। मतलब यहाँ पर वो काम नहीं है सर। देखो मैं एक बात बताता हूँ जिंदगी में जो मैंने सीखी है। हाँ जी। रिश्ता जो दिल से जुड़ता है ना वही कायम रहता है, समझौते से जो रिश्ता जुड़ता है ना कॉम्प्रोमाइज लेवल पे। हाँ। वो कभी कायम नहीं रहता। राधे राधे परिवार किसी से जुड़ता है ना तो दिल से जुड़ता है। अगर हमारे नाम के आगे परिवार लगाया है ना तो आपको जो भावना मिलेगी वो भी परिवार वाली मिलेगी। प्रवीण जी एक प्रश्न मेरा ये रहेगा कि जैसे कौन कौन इसे व्यापार कर सकता है, मतलब कि यानी कि व्यापार से कौन कौन जुड़ सकता है आपके सर? देखो मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था राधे राधे परिवार का जो मकसद है ना। हाँ। वो वीडियो डालने का, कपड़ा बेचना नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर मैं अपने राधे राधे परिवार की बात करूं। हाँ। तो राधे राधे परिवार से सबसे पहले तो वो जुड़ सकता है जो ऑलरेडी कपड़े का व्यापार कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूं और जिस रेट से मैं हिंदुस्तान के बड़े से बड़े होलसेलर को, चांदनी चौक के बड़े से बड़े होलसेलर को कपड़ा देता हूं, उसी रेट से मैं आपको कपड़ा दूंगा। अगर आप व्यापार करना चाहते हो कपड़े का, या मैं कहता कोई और व्यापार करने की सोच रहे हो ना। हाँ। तो ये वीडियो देख लेना। हाँ। अगर ये वीडियो आपके मतलब की नहीं है लेकिन आपके संपर्क में कोई इंसान ऐसा है जो हाँ। कोई व्यापार करना चाहता है तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से। हाँ। कि आधे घंटे का इंटरेक्शन वो शेयर कर दे उसके साथ में। हाँ। अगर वो कोई और व्यापार करने की सोच रहा है तो आधे घंटा देख ले, उसके सारे जो ज्ञान चक्षु है ना वो खुल जाएंगे। उसके बाद में आती है सोच जिनके पास रेडीज टेलरिंग का हुनर है। हाँ जी। अब जो टेलर मास्टर है वो सूट तो सिलता ही है ना सर। हाँ जी, हाँ जी। वो किसी और का सूट सिलता है। हाँ। तो मैं कहता 100-200 पीस वो रख लेना अपने पास में। हाँ। तो 100-200 रुपए कमाएगा और सिलेगा भी खुद ही, तो काम भी तो बढ़ेगा उसका। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद में कैटेगरी आती है जैसे मैंने बोला सदर बाजार में जितनी भी आइटमें बिकती है ना। हाँ। सबको सूट रखने चाहिए। हाँ। अब उसका मेरा मकसद क्या था, जहाँ पर लेडीज का आना जाना है। हाँ। अब लेडीज कहाँ कहाँ जाती हैं, कॉस्मेटिक वाले के पास जाती हैं, मनिहारी का सामान, श्रृंगार का सामान, बुटीक में जाती हैं, ब्यूटी पार्लर में जाती हैं, साड़ी लेने, लहंगा लेने, रेडीमेड बच्चों का, जेंट्स का, लेडीज का, और अपना ये हौजरी लेने जाती हैं, बेडशीट लेने जाती हैं, फुटवेयर लेने जाती हैं। जहाँ लेडीज जाती हैं 100-200 पीस रख लो। हाँ। 50-40 हज़ार रुपये महीने के भाषा कहीं नहीं गया आपके। तो उसके बाद में सोच मेरी आती है उन लोगों की जिनके घर में शादी ब्याह है। हाँ। सर देखो राजस्थान का हूँ और बहन बेटियाँ जो होती है सबकी सांझी होती है। हाँ। तो जिसको भी शादी ब्याह की शॉपिंग करनी है, खरीदारी करनी है क्वांटिटी में। हाँ। बल्क में, होलसेल में, गड्डी टू गड्डी, वो उसी रेट से लेके जा सकता है जिस रेट से मैं बड़े से बड़े होलसेलर को देता हूँ। तो ये मेरी सोच है राधे राधे परिवार से कौन कौन जुड़ सकता है। अब सर मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑल ओवर का अगला कलेक्शन। ये आएगा सर मेरा मात्र 200 रुपये का कपड़ा, मैंने आपको बता दिया। हाँ जी। प्योर कैमरिक कॉटन आएगा, 4.5 मीटर इसका कट आएगा, 8-8 छूट के इसके बंडल आएंगे इस तरीके से। पहला। हाँ। ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ये 4-4 सिंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सर मेरी ऑल ओवर की वैरायटी हो गई। कवर की मैंने बिना दुपट्टे की, अब मैं ऑल ओवर की वैरायटी आपको दिखाऊंगा दुपट्टे के साथ। देखो सर
कट आएगा पूरा 4 मीटर 70 सेंटीमीटर का, प्योर इंडो कॉटन का टॉप आएगा इसके नीचे बॉटम के साथ ऑल ओवर सूट 4 मीटर 70 सेंटीमीटर का और प्योर कॉटन इंडो का दुपट्टा आएगा 2 मीटर का इसके अंदर और रेट आएगा सर मात्र 220 रुपए का। ये सर मैंने पूरा सूट खोल दिया और ये पूरा दुपट्टा खोल दिया, 8-8 सूट के इसके बंडल आएंगे, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा और ये चौथा। तो मैंने पहला सेगमेंट कवर किया आपके साथ में ऑल ओवर का। अब मैं आपको दिखाऊंगा 3 सेगमेंट दिखाऊंगा जिसकी कोई भी गड्डी मैं खोलूंगा नहीं। हाँ। वो आएगा मेरा लेने देने वाला सूट, डेली यूज का सूट, और आएगा नॉर्मल पार्टी वेयर सूट। जैसे मैंने बताया हर गड्डी पे रेट लिखा हुआ है। अब आप ध्यान से दिखाते चलना। देखो सर, पहला का लक्षण आया मेरा एक आइटम सिंगल लेने देने वाला सूट 120 रुपए। देखो सर हर गड्डी पे रेट लिखा हुआ है ना, 120 डिजाइन कम से कम 100। हाँ, कितने तक का बिक जाता होगा प्रवीण? ये सर 200-250 का भी बेचोगे ना। हाँ, तो 30 रुपए कहीं नहीं गया। तो चलो मैं एक चीज और मुझे बताओ, यानी ये कपड़े का व्यापार है, इसमें यानी क्या मुनाफा रखे, यानी रिटेल में जो बेचने वाला है, आपसे मैं ले गया मान लो, मैं इसको आगे यानी कितने तक का इनको बेचूं? जो सर देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, कितना मुनाफा है कपड़े का व्यापार है। तो मैंने आपको क्या बताया, कपड़े के व्यापार में कपड़ा कीमत देख के तो खरीदा जाता है, खूबसूरती देख के बेचा जाता है, तो रेट तो कुछ है नहीं। लेकिन मैं फिर भी एक ही बात बोलूंगा, 25% से लेके 35% के बीच का मुनाफा नफा अगर आप राधे राधे परिवार से खरीदारी करते हो और अगर उस मुनाफे से उस नफे से आप कपड़ा बेचते हो तो ग्राहक आपके पास पलट के वापस भी आएगा और साथ में 4 और लोगों को आपके पास लेके आएगा। सर देखो वैसे तो कपड़े की जरूरत सबको है, हर घर में, हर परिवार में, हर मौके पे, मरने से लेके जीने तक। जब तक इंसान इस धरती पर रहेगा जब तक कपड़े की जरूरत रहने वाली है। लेकिन हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि जो व्यापारी जुड़ा है ना वो ता जिंदगी जुड़ा रहे, तो उतना प्रॉफिट रखो कि व्यापारी दोबारा आपके पास में रिपीट के अंदर आए। बिल्कुल, तो ये है प्रॉफिट कपड़े के व्यापार, 25% से लेके 35% के बीच का प्रॉफिट रखो तो आराम से आपकी व्यवस्था बन जाएगी। सर देखो वीडियो के दौरान मैं आपको एक बात और साबित करूंगा जो मैं आपको अभी आपको चैलेंज करके बताता हूँ। पूरे वर्ल्ड में, पूरे हिंदुस्तान में कोई व्यापार ऐसा नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी नहीं है जो 45 से लेकर 60 दिन में आपके घर में पलट के वापस आ जाए। लेकिन कपड़े के व्यापार की लगाई हुई इन्वेस्टमेंट, अगर आप कपड़ा खरीदते हो, शर्त एक ही है, बार बार बोलूंगा, कपड़ा वहां से लेना जहां से वो चीज बन के निकली है, मैन्युफैक्चरर से। तो मैन्युफैक्चरर से जब आप कपड़ा खरीदोगे तो आपका 45 से लेकर 60 दिन में पैसा आपके घर में पलट के वापस आ जाएगा। तो सर ये आया मेरा कलेक्शन 120 रुपए का। अब सर देखो अगला कलेक्शन 150 रुपए का, 4 डिजाइन दिखा रहा हूँ, हर गड्डी पे रेट लिखा मिलेगा 150 रुपए। इंडो कॉटन का प्रिंटेड टॉप आएगा, प्रिंटेड दुपट्टा आएगा, प्लेन बॉटम आएगा। एक पीस में आपके सामने थोड़ा नेकेट करके दिखा देता हूँ ताकि सामने वाले को आइडिया लग जाए कि क्या चीज है सर। ठीक, ये देखो सर हर सूट के साथ फोटो आएगा। पीस मैंने आपके सामने खोल दिया 150 का। इसकी अगर कैटलॉग आई है ना, हाँ सर, बिक्री की बात करूँ तो 200 रुपए की बिक्री आती है सर। 200 रुपए में कहीं बेच लो, 150 का लो, 200 बिना टेंशन के आराम से बेच लो। यह है सर 150 रुपए का, ये देखो सर 160 रुपए का पहला, दूसरा ये, तीसरा और ये चौथा। सर मैंने स्टार्टिंग में बोला मैं 44 रेंज बनाता हूँ, तो मैं थोड़ी थोड़ी आपको सब दिखा रहा हूँ ताकि एक बार आइडिया लग जाए कि मैं कितनी वैरायटी के अंदर अपने आप को मेंटेन करके बैठा हूँ। 7,500 वैरायटी है, 144 रेंज है और 120 से रेंज चालू होता है और 1,500 तक का कलेक्शन है। मेरी सबसे बड़ी खासियत 3 है जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेंगी। एक तो मेरी कोई चीज़ कभी खत्म नहीं होती क्योंकि मैं कपड़ा बनाता हूँ। दूसरी चीज, मेरा रेट कभी ऊपर नीचे नहीं होता है। आज से 1 साल पहले जिस आइटम का रेट 150 का था आज भी 150 का है। बाजार में लोगों ने या तो वो आइटम हटा दिया या रेट 20-25 रुपए बढ़ा दिया। और तीसरी सबसे बड़ी खासियत जो है राधे राधे परिवार की, वो ये है कि हम वीडियो जो डालते हैं उसका मकसद कपड़ा बेचना नहीं है। हमारा मकसद खाली लोगों को ये बात समझाने का है कि अगर कपड़े का व्यापार कर रहे हो या करना चाहते हो तो लोकल परचेजिंग ना करो। सर यह आया 160 रुपए का। अब ये देखो सर 190 रुपए का पहला, दूसरा, हाँ जी, तीसरा और ये चौथा 190 रुपए। ये आया सर मेरा चौथा कलेक्शन, ये देखो सर 200 रुपए में पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ये आया सर मेरा 200 रुपए। अब सर कहाँ से चालू करा मैंने, 120 से। 120 दिखाया, 130 दिखाया, 150 दिखाया, 160 दिखाया, 180 दिखाया, 190 दिखाया, 200 दिखाया। सर एक चीज मुझे बताओ कि अगर कोई व्यापारी आता है, जैसे आप कलकत्ता भी बता रहे थे, कलकत्ता हो गया,
हैदराबाद हो गया, कर्नाटक हो गया, तो आप ये माल उन तक कैसे पहुंचाएंगे? मान लो सर, देखो मेरा कोई भी जो माल यहाँ से जाता है ना, वो जाता है ट्रांसपोर्ट से। हाँ जी। और अगर थोड़ा ऑर्डर क्वांटिटी में होता है तो, अगर छोटा ऑर्डर होता है 40 पीस से नीचे का, तो वो जाता है कुरियर से। हाँ जी। तो हिंदुस्तान का हर कोना हमारे पास में कवर होता है। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी हिंदुस्तान के हर कोने के लिए अवेलेबल। जैसे अभी आपने मुझे दिखाया था। हाँ सर, ये मेरा जा रहा है बरेली उत्तर प्रदेश। जैसे ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, खाली किराया लगेगा कस्टमर का। हाँ। और बाकी सारा खर्चा हमारा है। खर्चे में हमारे क्या क्या आता है? पैकिंग, फॉरवर्डिंग, हैंडलिंग और रिसीविंग, इसका कोई चार्ज नहीं है। किराया कितना लगता है पूरे हिंदुस्तान में? 2 रुपए सूट से लेके 5 रुपए सूट, बस पूरा हिंदुस्तान कवर हो जाता है। मतलब लोग जब वीडियो देखते हैं तो उनको लगता है यार दिल्ली में मैं बैठा हूँ, मैं माल मंगाऊंगा या मैं जाके लेके आऊंगा, तो मेरा 20-30-50 रुपए तो खर्चा लग जाएगा। तो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप बैठे हो, मैक्सिमम 5 रुपया। अच्छा, और मिनिमम 2 रुपया। मेरा एक प्रश्न हो रहा है आपसे जुड़ने के लिए, कम से कम कितने की खरीदारी आपसे? सर मैंने आपको पहले ही बताया ना, कपड़े के व्यापार में रुपए पैसे की शर्त तो लागू नहीं होती। अगर आधे आधे परिवार से आपको जुड़ना है तो ये गड्डी आती है 4 की। इसको ना तोड़ के देते हैं ना छांट के देते हैं। एक और उसका मल्टीपल, एक गड्डी चाहे 100 गड्डी चाहे 1000 गड्डी चाहे 1 लाख गड्डी, जितनी आपकी दरकार है, जितनी आपको बजट है, जितनी आपको अपने व्यापार को करने के लिए या शुरू करने के लिए जरूरत है, वो सब राधे राधे पूरी पूरी करेगा। राधे राधे परिवार के पास में सबसे बड़ी जो खासियत है वो एक ही है कि मैन्युफैक्चरर मैं हूँ, कपड़ा मैं बनाता हूँ, तो मेरी कोई चीज़ कभी खत्म नहीं होती। दूसरा, रेट मेरा कभी ऊपर नीचे नहीं होता, और कोई चीज़ खत्म हो जाती है तो 7 दिन में दोबारा बन के आ जाती है। अभी देखो सर, 220 रुपये का पहला, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये आया सर मेरा कलेक्शन 220 रुपये, ठीक है ना सर? अब मैं आपको जो भी आइटम दिखाऊंगा सर, अब मैं आपको दिखाऊंगा डिस्प्ले करके सेट वाइज, मतलब 4-4 पीस की गड्डी। ये देखो सर, पहला कलेक्शन ये देखो, कपड़े का रेट मात्र 250 का, और अगर इसकी बिक्री की बात करूं तो 350 रुपये से शुरू करके जिस रेट में आप चाहो उस रेट में आप बेच सकते हो। कपड़ा आएगा प्योर जाम साटन, दुपट्टा आएगा प्योर नाजनीन का इसके अंदर। ये देखो सर, आप दुपट्टा इसका, ये दुपट्टा आएगा, और ये सर आएगा इसका कलर चार्ट। और अगर मैं इसकी डिजाइनिंग की बात करूं तो कम से कम 250 रुपये डिजाइन मेरे पास में आपको मिलेंगे एक ही रेंज के अंदर मात्र 250 रुपये। क्या बात। अब ये देखो सर, अब इसका दूसरा कॉन्सेप्ट, ये देखो जरा चीज, मात्र 250 रुपये। ये 250 देखो सर चीज, आप जरा ये देखो, इस तरह काम हो रखा है, ठीक है। ये देखो सर आप इसका दुपट्टा, ये दुपट्टा, और ये देखो सर आप इसका कलर चार्ट, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ये मेरी पहली आइटम कवर करी जो मैंने आपको डिस्प्ले करके दिखाई है गड्डी की शक्ल में 250 की। अब 250 के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ सर 280 रुपये का कॉन्सेप्ट। ये 280 वाला है, देखो सर जरा चीज, कपड़ा आएगा प्योर परंपरा कॉटन। मैंने सर क्या बोला था, 4 चीजें बताता चलूंगा, कपड़ा, क्वालिटी, कट और रेट, और साथ में बताऊंगा उसकी बिक्री के अभाव में आप बेच सकते हो। 250 वाला 350 में आप आराम से बेच सकते हो। अब 250 वाले को और 280 वाले को मिला दो आपस के अंदर, और 265 रुपये की एवरेज आएगी, 350 रुपये की सेल लगा दो। बहुत बड़ा। अगर कोई लेडी घर से, देखो सर ऐसा है, आज कितने लोग ऐसे हैं जो बाहर फॉरेन में जॉब करते हैं, गल्फ कंट्रीज में जॉब करते हैं, उनकी फैमिली यहाँ रहती है। अब वो अकेला आदमी वहाँ कमाने के लिए गया है, अगर यहाँ जो परिवार उसका है अगर 100-200 पीस रखे वो अपना व्यापार शुरू कर सकता है, तो 10-15 हज़ार तो महीने के कमा ही सकता है ना। अब कोई भी इंसान अगर मान के चलो कोई जॉब कर रहा है या कोई बिजनेसमैन है, तो उसके घर परिवार के बाकी लोग तो खाली बैठे हैं ना घर के अंदर, और कपड़े की जरूरत तो जैसे मैंने आपको बताया सबको है। तो कपड़े का व्यापार के साथ कोई भी शर्त नहीं है सर, कोई भी कर सकता है इसको। अच्छा, शर्त एक ही है, कपड़ा वहीं से खरीदा जहाँ से वो बन के निकला। जी सर। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ राधे राधे परिवार की अब तक तेरी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? यानी देखो सर, राधे राधे परिवार वैसे तो एक ही बात जानता है कि उसको किसी परिचय की मोहताज नहीं है। लेकिन राधे राधे परिवार की अगर मैं उपलब्धि की बात करूं तो 97-98% तो व्यापारी के रिपीट है हमारे पास में। जो व्यापारी जुड़ा है ना, वो हमेशा जुड़ा रहना चाहता है, क्योंकि उसको उसी रेट से कपड़ा मिलता है जिस रेट से पूरे हिंदुस्तान में सर्च कर लेगा ना तो कपड़ा नहीं मिलता उसको। दूसरी चीज, हमारी जो सोच है वो क्या कहती है, आफ्टर सेल सर्विस और कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ग्राहक की संतुष्टि हमारी सबसे बड़ी जीत है। और जो माल व्यापारी हमसे लेता है उसका माल पहुंचा नहीं पहुंचा, उसको फ़ोन पे रिस्पांस करना, व्हाट्सएप पे रिस्पांस करना, उसकी कोई दुख तकलीफ है उसको रिप्लाई करना, इसको बोलते हैं आफ्टर सेल सर्विस। और ये हमारी रिजल्ट जो है ना, इसका जो फीडबैक है वो 100% है इसके। बहुत बढ़िया। यह आया सर मेरा 280 रुपये का। 280। अब ये देखो सर आप इसका दुपट्टा, ये देखो सर आप इसका दुपट्टा, ये इसका दुपट्टा रहने वाला है। दूसरा, ये देखो सर आप इसका कलर चार्ट, पहला, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब सर 280 का मैंने आपको पहला कॉन्सेप्ट दिखाया। अब मैं आपको दिखाता हूँ सर कॉन्सेप्ट 280 का दूसरा। कपड़ा आएगा प्योर ग्लेज जाम साटन। हाँ जी। मैं कपड़े का नाम आपको बताता चल रहा हूँ,
मात्र 280 रुपये का कॉन्सेप्ट है। और दुपट्टा इसका भी जो आएगा सर प्योर नाजनीन का आएगा विद फोर साइड लेस। देखो सर आप इसका दुपट्टा देखो जरा चीज़ आप ये बहुत बड़ी। और ये देखो सर आप इसका कलर चार्ट पहला दूसरा ये तीसरा और ये चौथा। अब 280 को थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ 300 रुपये का कॉन्सेप्ट। हाँ कपड़ा आएगा प्योर डायबल लीची कॉटन पूरा हैंडवर्क के साथ आएगा सर। देखो आप ये देख रहे हो बीच बीच में ये पूरा हैंडवर्क है ये। हाँ। कपड़ा आएगा मात्र 300 रुपये में। ये देखो सर जरा पीस और साथ में इसका प्योर रजवाड़ी दुपट्टा आएगा। ये देखो सर आप इसका प्योर रजवाड़ी दुपट्टा देखो जरा चीज़ आप इस तरह रहेगा मात्र 300 रुपये में। 300 रुपये के अंदर जी सर। पहला कलर दूसरा कलर तीसरा कलर और ये चौथा कलर। ये कलर है एक दो तीन। सर देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं बार बार बेचने का रेट क्यों बता रहा हूँ क्योंकि मेरा जो मानना है ना वो एक ही है कि खरीदना बहुत आसान है, सबसे मुश्किल काम है उसको बेचना। खरीद के आप लाओगे तो आपकी जेब में से कुछ जाएगा, बेच के आप कुछ आओगे तो आपकी जेब में कुछ आएगा। तो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, मैंने अभी आपको वैरायटी दिखाई 250 की, एक मैंने दिखाई 280 की, एक मैंने दिखाई 300 की। ये तीन वैरायटी बनेगी 830 रुपए की, मतलब तीन पीस इसको तीन से भाग कर दो आपकी एवरेज कितनी आएगी सर 276 रुपए 66 पैसे। इस पे मान लो 3 रुपए का खर्चा मान लो हो गया मोटा मोटी 280 रुपए का। आप एक रेट बेचो, अगर आप घर से बेचना चाहते हो, फेरी करना चाहते हो, बाजार लगाना चाहते हो, किसी को काम करवाना चाहते हो, या आपके पास पैसे की छूट है, एक रेट निकालो 350 रुपए। 350 रुपए मिला के अब मैं वो फार्मूला जो आपको बताया था ना कि 45 से लेकर 60 दिन में पैसा डबल हो जाता है, वो आपके मुंह से कहलवाऊंगा कि हाँ वाकई में डबल होता है। उसमें शर्तें भी सारी आपकी होंगी, मैं जो पूछूंगा खाली आपको बताना है। मैंने सर आपको क्या बताया, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट मान लो 25,000 की, ज्यादा तो नहीं है सर। बिल्कुल मैंने कोई लाख दो लाख तो नहीं बोले, 25,000 में इसके मोटा मोटी आपके पास में 100 पीस आ जाएंगे। 100 पीस आ गए ठीक है सर। आपको कपड़ा बेचना है 5 पीस रोज का, ज्यादा तो नहीं है। बिल्कुल कोई 10-20 पीस तो नहीं बोले, 4-5 पीस तो आप आराम से रोज के बेच ही सकते हो ना सर। 75 रुपए सूट की एवरेज आई आपकी और आपने 5 पीस रोज के बेचे तो सर कितने रुपए का नफा हो गया, 375 रुपए का। मैंने कितने दिन बताया सर आपको, 60 दिन। इसको गुणा कर दो 60 से, कितने रुपए हो गए सर, 22,500। आपने लगाए कितने थे, 25,000 आ गए सर 60 दिन में पलट के। बिल्कुल कोई मैंने चने के झाड़ पे तो नहीं चढ़ाया आपको कि यार ये 300 वाला आपको 500 का बेचना है। मैंने एक नॉर्मल बताया 350 रुपए का आर्टिकल है, 4 से लेके 5 पीस रोज के बेचने हैं, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट लगानी है। शर्त एक ही आती है इसके अंदर और वो क्या आती है, कपड़ा वहां से खरीदना जहां से वो चीज मैंने आपको जिस रेट से दिखाई है ना उस रेट से आपको मिल सके, मतलब मैन्युफैक्चरिंग रेट से। अच्छा ये है कपड़े के व्यापार की सोच। ये जो जीएसटी का जो है, यानी कि जीएसटी सभी व्यापारी को लिए चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। सर देखो जीएसटी जो है एक नंबर है व्यापारी को अपने अपने आप को सरकार के पास रजिस्टर्ड कराने का। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन सरकार ने नए व्यापारियों को छूट दी है कि अगर वो अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में जीएसटी नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है। 40 लाख से नीचे का, 40 लाख तक का व्यापार बिना जीएसटी नंबर के वो खाली आधार कार्ड पर अपना कर सकते हैं। उसको बोलते हैं अनरजिस्टर्ड कॉम्प्लायंस, मतलब उनकी जो गिनती होती है अनरजिस्टर्ड में होती है, तो उनको जीएसटी नंबर की कोई दरकार नहीं है, वो खाली आधार कार्ड पर अपना व्यापार कर सकते हैं। तो कोई पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है कि सर मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं है, मैं कैसे अपना व्यापार शुरू करूं, तो कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। अब सर ये दिखाया मैंने आपको कॉन्सेप्ट 300 रुपए का, अब 300 में मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं सर। देखो सर जरा चीज, कपड़ा आएगा प्योर कॉटन, साथ में हैंड वर्क आएगा, साथ में मशीन वर्क आएगा, साथ में डायमंड वर्क आएगा, रेट आएगा मात्र 300 रुपए का। 300 और सर मैं जो आपको ये रेट दिखा रहा हूं ना, अब मैं आपको दिखाता हूं इसका दुपट्टा। आपको 300 रुपए में दुपट्टा नहीं मिलेगा सर इसका। देखो जरा चीज आती है, दुपट्टा काफी सुंदर है, देखो सर सकते हैं मात्र 300 रुपए का सूट का दुपट्टा सर बनारसी का ये। हाँ जी, हाँ जी, 300 रुपए में आपको दुपट्टा नहीं मिलेगा सर इसका। और ये देखो सर आप इसका कलर चार्ट, ये पहला ये दूसरा ये तीसरा और ये चौथा। अब 300 वाले सेगमेंट को थोड़ा आगे की तरफ लेके जाते हैं। हाँ जी, मैं आपको दिखाता हूँ 320 रुपए का सेगमेंट। सर कपड़ा आएगा प्योर जाम साटन, मैं कपड़े का नाम आपको बताता चल रहा हूँ, प्रिंटेड आएगा सर पूरा और साथ में मल्टी हेड वर्क आएगा, इसको बोलते हैं पैनल वर्क। इसका रेट आएगा मात्र 320 रुपए का। देखो जरा चीज आती है, और ये देखो सर आप इसका प्योर का दुपट्टा, ये देखो सर आप इसका दुपट्टा स्टेप बाय स्टेप। सर देखो सीढ़ी चढ़ के छत तक जाना है ना, तो सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ेगा ना, छलांग मार के तो छत पे जाओगे नहीं, छलांग मार के तो वापस आओगे। तो मैंने 120 से चालू करा, धीरे धीरे करके मैं आपको सारी वैरायटी दिखा रहा हूँ और सातों कैटेगरी में कवर करूंगा, लेने देने वाले सूट से लेके और दुल्हन तक की वैरायटी में पूरी कवर करूंगा। ये आ गया सर मेरा 320 रुपए का कॉन्सेप्ट, पहला दूसरा ये तीसरा और ये चौथा। अब 320 में एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ, कपड़ा आएगा प्योर फ्रेंच क्रेप,
साथ में पूरा हैंडवर्क आएगा, साथ में एक्सेसरीज आएंगी और पूरा डिजिटल प्रिंट आएगा। रेट आएगा मात्र 320 रुपए का। 320 रुपए। अब सर एक सवाल पूछूं आपसे? हाँ जी, हाँ जी, बोलो। आपने बहुत सारे सवाल पूछ लिए, आपके हिसाब से ये सूट, हाँ ये वाला सूट, हाँ कितने कितने रुपए की बिक्री का होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो लगभग 500 के आसपास। मैं कहता 320 का है ना, 400 का बेस्ट। 400 का कितने रुपए मिले? 80 रुपए। 80 रुपए। शाम तक बेचे कितने पीस? 5 पीस। 5 पीस। ज़्यादा तो नहीं बोले मैंने। कितने रुपए कमाए? 400 रुपए। 400 रुपए। महीने में कितने दिन होते हैं? 30। 30। 400 में 30 कितने हो गए? 12,000। 12,000 सर, 8,000, 9,000, 10,000 में लोगों को जॉब नहीं मिलती। आज कर्नाटक का जो इलेक्शन कांग्रेस जीती है, किस मुद्दे पे जीती है? दो ही मुद्दे थे, एक बेरोजगारी और एक महंगाई। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, और ये जो कपड़े का व्यापार है ना, ये उस अनएम्प्लॉयमेंट वाले मुद्दे को अगर ढंग से आदमी समझ लेना तो धीरे धीरे करके खत्म कर सकता है। बिल्कुल। और महंगाई तो बढ़ेगी, उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दो पैसे की कमाई करनी पड़ेगी। और कपड़े का जो व्यापार है ना, उस दो पैसे को कमाने का सबसे बढ़िया साधन है। और दिमाग में सोच एक ही रखनी है, नुकसान नहीं लगेगा। शर्त एक ही है, कपड़ा वहां से खरीदना जहाँ से बन के निकला है। अब दिखाता हूँ सर आपको उसका दुपट्टा। अब आप बोलोगे सर 600 का भी बिक जाएगा ये। अरे दुपट्टा देखो सर, इसका चीज देखो सर आप, ये चीज तो काफी सुंदर है। इसमें कोई दुपट्टे का कपड़ा लगा है, प्योर ऑर्गेंजा, बहुत बढ़िया, और मात्र 320 रुपए का आर्टिकल है सर ये। और ये देखो सर आप इसका कलर चार्ट, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। अब इसी रेंज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा 350 रुपए का कलेक्शन। अब ये मेरी पांचवी कैटेगरी को कवर कर रहा है, जिसको बोलते हैं बुटीक कलेक्शन, सिंपल सोबर गर्लिश लुक का कपड़ा आएगा, प्योर 72-72 कैमरिक। देखो सर पूरा पीस मैंने खोल दिया आपके सामने, पूरा प्रिंटेड कैमरिक आएगा, साथ में पूरा कश्मीरी वर्क आएगा। देखो सर ध्यान से देखना जरा, पूरा फोकस करके। रेट कितना आएगा सर? मात्र 350 का। सर 500 रुपए में जहां मन करे आपका, और जितना मन करे उतना बेच लेना इसको। ये वो चीज है सर, ये देखते हैं। और ये देखो सर आप कपड़ा आएगा, दुपट्टा आएगा, प्योर नमाजी दुपट्टा आएगा इसके अंदर, प्योर कॉटन का, प्योर सूती। देखो सर दूसरा, तीसरा और ये चौथा। कितने का है सर ये? मात्र 350 का। अब 350 से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ 380 रुपए का। 380 रुपए। देखो सर जरा चीज, कपड़े का नाम बता दूं, कपड़ा आएगा प्योर फॉक्स जॉर्जेट, पूरा हैंडवर्क आएगा, मल्टी वर्क आएगा, सीक्वेंस वर्क आएगा। और इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है सर, वो आएगा इसका हैंडवर्क का दुपट्टा। सर आपको 380 में दुपट्टा नहीं मिलेगा सर इसका। क्या बात है, देखो जरा चीज सर, बोथ साइड हैंडवर्क आएगा दोनों तरफ इसका, मात्र 380 रुपए में। देखो जरा चीज, और ये देखो सर आप इसका दुपट्टा, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। अब इसी रेंज को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाते हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ बुटीक कलेक्शन में 400 रुपए का कलेक्शन। देखो जरा चीज सर, कपड़ा आएगा प्योर 72-72 कैमरिक, नीचे से ऊपर तक दिखाना चीज। देखो जरा सर आप, ये कॉन्सेप्ट ऐसा है मुंह से बोलता हुआ, और साथ में आएगा सर इसका प्योर रजवाड़ी दुपट्टा। देखो जरा चीज, ये देखिए, देखो सर उसी फॉर्मूले को कि 60 दिन 45 से लेकर 60 दिन में पैसा आपके घर में पलट के वापस आता है। अभी आपके मुंह से और कहलवाता हूँ। मैंने वैरायटी दिखाई 350 की, ये पड़ी सर आपके सामने। बिल्कुल। मैंने वैरायटी दिखाई 380 की, ये पड़ी आपके सामने। मैंने वैरायटी दिखाई 400 रुपए की, ये पड़ी आपके सामने। 350, 380 और 400, इन तीनों का आपस में मिला दो, कितनी एवरेज आई सर? 376.66 रुपए। 380 मान लो, 380 मान लो। मैं कहता हूँ ज्यादा कुछ मत करो, एक रेट बेचो। अगर बहुत बड़ा धमाका करना है ना तो 450 का, 450। और अगर नहीं तो अपने आप को संतुष्ट करना है तो 500 का। मैं कहता 500 को भी मारो गोली, आप खाली 450 का बेचो। 450 बराबर है। 450 रुपए में 380 रुपए का सूट बेचा आपने, कितने रुपए आए सर? 70 रुपए। कितने पीस बताए थे मैंने आपको? 5 पीस। बराबर है, ज्यादा तो नहीं बोले मैंने। कितनी इन्वेस्टमेंट बताई थी मैंने आपको? 25,000। अब 70 रुपए को 5 सूट से मल्टीप्लाई करके 70 × 5 × 60 कितने आ गए सर? 21,000 रुपए हो गए सर। 21,000 रुपए महीने के? दो महीने के। दो महीने के कितने लगाए थे? 25,000। आ गए कितने? 21,000। है हिंदुस्तान में कोई ऐसी स्कीम? नहीं, बिल्कुल। आप गोल्ड में पैसा लगा लो, प्रॉपर्टी में पैसा लगा लो, एफडी में डाल लो, सेविंग अकाउंट में डाल लो, अपने जिस मन में शेयर मार्केट में लगा लो, 6 साल से पैसा डबल नहीं होगा पहले। और ये कपड़े का व्यापार ऐसा है, महीने में दो बार, मतलब 2 महीने में 1 बार और साल में 6 बार ये पैसा आपके घर में पलट के वापस आ सकता है। क्या बात है, बहुत ये सोच है। बस शर्त एक ही है, कपड़ा वहां से खरीदना जहां से वो बन के निकला है। देखो सर आप इसका कलर चार्ट। हाँ जी। पहला, दूसरा,
तीसरा और ये चौथा। अब 400 से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको दिखाऊंगा सर 420 रुपए का कलेक्शन। ये देखो सर, ये देखो कपड़ा आएगा प्योर फ्रेंच क्रेप, हाँ जी, और साथ में आएगा बेहतरीन प्योर का दुपट्टा। ये देखें, और ये देखो सर अब इसका कलर चार्ट मात्र 420 रुपए में। हाँ जी सर, मैंने आपको क्या बोला, मेरा टीजर है ये। ट्रेलर देखना है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, और पूरी पिक्चर देखनी है तो संडे को छोड़ के 12 से लेके 8 के दौरान कभी आ जाओ। ये देखो सर 450 रुपए। क्या बात है, बहुत सुंदर कलेक्शन सर। पूरा कपड़ा आएगा इसके अंदर जैकार्ड का, गोल्ड प्रिंट का और गोटा पट्टी का काम आएगा, और साथ में आएगा प्योर का दुपट्टा। ये देखो सर जरा चीज आती है, रेट आएगा मात्र 450 रुपए का। और ये देखो सर अब इसका कलर चार्ट, पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा। अब इसी रेट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ सर 500 रुपए का कलेक्शन। ये देखो सर आप चीज, ये देखें, देखो जरा कॉन्सेप्ट। और ये आएगा सर इसका प्योर का दुपट्टा, पूरा वर्क हैंड वर्क के साथ। देखो जरा चीज आती है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और ये देखो सर आप इसका कलर चार्ट, पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा। अब कुछ मैं वैरायटी आपको दिखाता हूँ थोड़ी अलग हटके, रैंडम। ये कलेक्शन 500 पे मैंने खत्म कर दिया, अब मैं 500 से ऊपर दिखा रहा हूँ, लेकिन 1000 प्लस नहीं दिखा रहा हूँ, 500 550 600 650। ये देखो सदर आइटम, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सामने वाले के पास में खाली नॉर्मल वैरायटी है। डालो जरा सूट इसके ऊपर, देखो सर ये दुपट्टा मैंने आपके सामने दिखाया, अब देखो जरा क्या बात है, काफी सुंदर। देखो जरा चीज, और ये देखो सर अब इसका कलर चार्ट, पहला दूसरा ये तीसरा और ये चौथा। अब ये देखो सर आइटम, लाजवाब मुंह से निकले वाह क्या चीज है। देखो जरा चीज, बहुत बढ़िया। देखो जरा कॉन्सेप्ट, कपड़ा आएगा प्योर हैंडवर्क के साथ में, और साथ में कट वर्क का आएगा दुपट्टा। सर सूरत में कोई भी चीज जब बनती है ना, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि पहले पहले हम उसको यहाँ लेके आए, ताकि व्यापारी को लेटेस्ट से लेटेस्ट आइटम मिले, नया से नया आर्टिकल मिले, और साथ में उसकी जो डिमांड है ना वो पूरी होती रहे, जो उसका बिका है वो तो दोबारा मंगवाता रहे और नया से नया मंगवाता रहे। ये देखो सर कॉन्सेप्ट, कपड़ा आएगा प्योर जाम कॉटन, बहुत सुंदर। देखो जरा चीज, स्क्रीन पर नंबर चल रहा होगा, आप हाय हेलो करके, बिल्कुल सर आप हेलो लिख के मैसेज डालो, सारी वैरायटी पहुंचेगी, बहुत सी आइटम देखने को मिलेंगी आपको। बस सर मकसद मेरा एक ही है, मेरे को कपड़ा नहीं बेचना। देखो सर हिंदुस्तान का कोई सा भी वीडियो देख लेना, किसी बड़े से बड़े टॉप का देख लेना, तीन चीजें जरूर बोलेगा, स्क्रीनशॉट ले लो, ऑर्डर कर लो, 5000 का मंगा लो, 10000 का मंगा लो, मेरा माल खत्म होने वाला है, पहले आओ पहले पाओ, मार्केट में तेजी आने वाली है। सर हमारे राधे राधे परिवार के ना तो आपको किसी वीडियो में ये तीन शब्द सुनने को मिलेंगे, और ना हमारा जो मकसद है वो कपड़ा बेचने का है। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है, जो कपड़े का व्यापार कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो जुड़े राधे राधे परिवार से। 7500 वैरायटी मिलेंगी, 120 से लेकर 1500 तक का कलेक्शन मिलेगा, और सबसे बड़ी बात हमारी ना तो कोई चीज कभी खत्म होती है और ना ही किसी चीज का रेडो बनती होता है। सुंदर लग रही है, क्या बोला जाता है ये सर, हैंडवर्क है। जितने भी मैं आपको कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूँ ना, ये रैंडम दिखा रहा हूँ, अलग हटके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको वैरायटी का आइडिया लग जाए। अभी देखो सर जरा कलेक्शन देखने में यानी काफी सुंदर सर, ये बिल्कुल हॉट केक आइटम चल रहा है, इसका नाम है पापा की परी। पापा की, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हॉट केक आइटम है, हाँ नाम ही पापा की परी है सर। वैसे इसका जो डिजाइन का नाम आता है पाकिस्तानी कराची लखनवी सूट आता है, इसमें क्या क्या खास बात होती है वो बता दूं, पूरा वर्क आएगा, पूरा बाजू पे काम आएगा, हाँ जी, साथ में सलवार पे काम आएगा, और साथ में इसका जो दुपट्टा आता है सर अलग हटके आता है, हाँ जी, इसका नाम पापा की परी इसीलिए रखा गया है इसके दुपट्टे की वजह से। ये देखो सर आप इसका दुपट्टे की वजह से रखा है। देखो जरा चीज नाम यार, इंस्टाग्राम पे मैंने बहुत सुना पापा की परी, पापा की परी चीज, तो ये पापा की परी एक सूट भी आ गया इसके नाम। इसकी रेंज हमारे पास 650 से स्टार्ट होती है और 950 तक जाती है। हाँ जी, अब सर वीडियो मैंने शूट करवाया, वैरायटी मैंने आपको दिखाई, आपने कहीं मेरी इंटेंशन देखी कि मुझे कपड़ा बेचना है? नहीं, आपको ऐसा लगा मैंने बोला कि सर स्क्रीन शॉट ले लेना, ऑर्डर कर लेना, माल मंगवा लेना? मैं उन लोगों से बात करता हूँ जो कपड़े का व्यापार कर रहे हैं, लोकल परचेजिंग ना करें। मैं उन लोगों से बात करता हूँ जो कोई व्यापार करना चाहते हैं, कपड़े का व्यापार करना चाहते हैं। मैं उन लोगों से बात करता हूँ जिनके पास सिलाई कढ़ाई का हुनर है। मैं उन लोगों से बात करता हूँ जिनके पास लेडीज का आना जाना है। और मैं उन लोगों से खास तौर पर मुखातिब हूँ जिनके घर में शादी ब्याह है, वो बल्क में परचेजिंग करना चाहते हैं, तो जुड़े राधे राधे परिवार से। पूरे हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा होलसेलर जिस रेट से कपड़ा लेके जाता है, उसी रेट से राधे राधे परिवार आपको कपड़ा देगा। राधे राधे परिवार की ना तो कुछ चीज कभी खत्म होती है और ना ही रेट कभी ऊपर नीचे होता है। तो वीडियो के दौरान मैंने जितनी भी बातें आपसे की, आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। और आपको विजिट करना है तो संडे के अलावा 12 से लेकर 8 के दौरान चांदनी चौक परांठे वाली गली, टेलीफोन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, कॉल करके आप कभी भी विजिट कर सकते हैं। ये तो छोटा सा ट्रेलर था, ठीक राधे राधे परिवार ट्रेलर नहीं, टीजर है ये, टीजर ट्रेलर भी नहीं, टीजर बोलेंगे, ट्रेलर मिलेगा व्हाट्सएप पे तो पिक्चर मिलेगी यहाँ। हाँ, संपर्क आप कर सकते हैं, स्क्रीन में नंबर चल रहा होगा। तो आपको ये वीडियो लगी कैसे जरूर कमेंट करके बताना, वीडियो लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना, और अपने भाई पे प्यार ऐसे ही बनाए रखना। तो चलो मिलते हैं दोबारा नई किसी वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव, नमस्कार।